रक्षाबंधन पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की महिलाओं को तोहफा देते हुए कन्या सुमंगला योजना के तहत 25,000 रुपए देने का ऐलान किया है। अगले वित्तीय वर्ष से यह राशि योजना के लाभार्थियों को मिलेगी। पहले इस योजना के तहत 15,000 रुपए दिए जाते थे। प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री योगी ने बुधवार को योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। सीएम योगी ने कहा कि योजना का लाभ उठाकर प्रदेश की बेटियां आत्मनिर्भर बन सकेंगी। बरेली में रक्षाबंधन पर्व के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कन्या सुमंगला योजना की लाभार्थी बेटियों से संवाद किया। राजधानी लखनऊ से लाइव रहे मुख्यमंत्री ने बेटियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर मौजूद वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को नई दिशा में ले जाने के लिए आज का दिन खास है। इस दौरान डीएम शिवाकांत द्विवेदी, एसएसपी धुले सुशील चंद्रबान समेत जिले भर के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बरेली में चारों ओर रक्षाबंधन पर्व की धूम है। घरों से लेकर बाजार तक त्योहार के रंग में रंगे लोग नजर आ रहे हैं। राखी और मिठाई की दुकानों पर लोग खरीदारी को उमड़ पड़े। बाजार नई नई डिजाइन की राखियों से पटा पड़ा है। पर्व के मौके पर सरकार की ओर से महिलाओं को फ्री बस सेवा का तोहफा भी दिया गया है। आदेश मिलने के बाद स्थानीय रोडवेज प्रशासन ने हर रूट पर बसों को बढ़ाकर 2 दिन महिलाओं के लिए सफर फ्री कर दिया है। बरेली में रक्षाबंधन के मौके पर ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। भारी वाहन शहर के भीतर नहीं आएंगे। बुधवार से लागू रूट डायवर्जन गुरुवार रात तक जारी रहेगा। इस दौरान कई मार्गों को बदला गया है। शहर के भीतर भीड़ वाली सड़कों पर बड़े वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं बाईपास से होकर गुजरने वाले कुछ रास्तों पर भी रूट डायवर्ट किया गया है। बरेली में बुधवार को वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में वकील कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचे और जोरदार नारेबाजी करके लाठीचार्ज की घटना का विरोध जताया। वक्ताओं ने हापुड़ की घटना की निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र के लिए यह ठीक नहीं है। वकीलों ने लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान आक्रोशित वकील जोरदार नारेबाजी करते रहे। बरेली में प्लम्बर तस्लीम ने रजनीश बनकर एक युवती से जान पहचान बढ़ाई और शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। जबरन धर्म परिवर्तन कराने का भी आरोप लगाया गया है। जानकारी होने पर हिंदू संगठनों के नेताओं ने थाने पहुंचकर हंगामा किया और आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। युवती के भाई ने आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर दी है। हंगामा बढ़ने पर इज्जतनगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बरेली में प्रेम प्रसंग के शक में एक युवक ने अपनी पत्नी को बुरी तरह मारपीट कर घर से निकाल दिया। पति की पिटाई से आहत पत्नी ने तेजाब पी लिया, इससे उसकी हालत बिगड़ गई। इज्जतनगर थाना क्षेत्र की बिहार कला निवासी मुस्कान को नाजुक हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला ने पति पर मारपीट का आरोप लगाया है। महिला के परिजनों ने तहरीर देकर पुलिस से मामले की शिकायत की है। पुलिस कार्रवाई में जुटी है। बरेली में रोडवेज बस रोककर नमाज पढ़ने के मामले में बर्खास्त सुसाइड करने वाले कंडक्टर की पत्नी ने एआरएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्नी ने विभागीय अधिकारियों को कंडक्टर पति की मौत का जिम्मेदार बताया है। आरोप है कि बिना मोहित का पक्ष सुने उसकी संविदा समाप्त कर दी गई थी। 2 दिन पहले कंडक्टर मोहित ने सुसाइड कर लिया था। नमाज पढ़ने के मामले में मोहित को बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि पत्नी के आरोपों को रोडवेज के अधिकारी सिरे से खारिज कर रहे हैं। बरेली में 2 बाइकों की टक्कर में बाइक सवार बुजुर्ग की मौत हो गई। बहेड़ी के नरकुड़ा निवासी ख्याली राम बाइक से रिश्तेदारी में गए थे। लौटते समय गांव के रास्ते पर सामने से आ रही बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। आमने सामने की टक्कर में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंचे परिजन उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बरेली में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया। परसाखेड़ा स्थित भारत गैस बॉटलिंग प्लांट पहुंचे डिस्ट्रीब्यूटरों ने उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जोरदार नारेबाजी की। प्लांट इंचार्ज को सौंपे गए ज्ञापन में ट्रांसपोर्ट टेंडर और पेमेंट की प्रक्रिया के साथ साथ 11 अन्य समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई है। एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ये थे न्यूज टुडे नेटवर्क के आज के समाचार। ऐसे ही ऑथेंटिक और रिसर्च ओरिएंटेड कंटेंट के लिए लगातार न्यूज टुडे नेटवर्क के न्यूज बुलेटिन को फॉलो कीजिए।